चंद्रशेखर वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, चंद्रशेखर वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, नेहरू वाली आजादी, मदर टेरेसा वाली आजादी, आजादी आजादी, पूंजीवाद से आजादी, आजादी वाली आजादी, फातिमा वाली आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, नेहरू वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, चंद्रशेखर वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, चंद्रशेखर वाली आजादी, एनआरसी से आजादी, आजादी 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 आजादी, हम सब एक हैं। आजादी आजादी आजादी, पूंजीवाद से आजादी, आजादी अशफाक वाली आजादी, फातिमा वाली आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, नेहरू वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, चंद्रशेखर वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, चंद्रशेखर वाली डंडे मारो आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, हमारे खून से लिख दो आजादी, हमारी कब्रों पे लिख दो आजादी, एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, नेहरू वाली आजादी, गांधी वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, हमें चाहिए आजादी, एनआरसी से आजादी, सीएए से आजादी, हम नहीं मानेंगे आजादी, लेकर रहेंगे एनआरसी, हम नहीं मानेंगे एनआरसी, हम नहीं मानेंगे एनआरसी, हम नहीं मानेंगे एनआरसी, हम नहीं मानेंगे एनआरसी, हम लेके रहेंगे आजादी, अब खून से लिख दो आजादी, अगर आप नहीं बोले तो कभी नहीं बोलेंगे, आज नहीं बोले तो कभी नहीं बोलेंगे, तो बोलो जोर से आजादी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, आजादी, मनुवाद से आजादी, जातिवाद से आजादी, अंबेडकरवाद से आजादी, लेकर रहेंगे आजादी। ये मुहिम फिजी ने स्टार्ट की है, हम भी जाते थे, हमारा आगरा शाहीन बाग से कम नहीं है, क्योंकि ये सुलेखन की नगरी है, ये मोहब्बत की नगरी है, यहाँ हम लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई नहीं पाड़ सकता। और बहुत खूबसूरत बात है, मैं बधाई देती हूँ शाहीन बाग के लोगों को जो अपना घर बार छोड़कर रात दिन उस मुहिम में शामिल है, और ऐसी यहाँ की महिलाओं को मैं शाबाशी देती हूँ जिन्होंने ये खूबसूरत पहल की है, इसका आगाज किया है। हम सारे लोग, समस्त धर्म के लोग इस मुहिम में शामिल होंगे, हम उन मुंह तोड़ ताकतों को दिखाना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि मुंतशिर होंगे तो मोमिन पुकारे जाएंगे और मुंतशिर होंगे किस्तों में मारे जाएंगे। हमें मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी को दिखाना है कि हम एक थे, हम एक हैं और एक रहेंगे, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई नहीं बांट सकता। ये हमारी मुहिम है, हमारी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी सारे लोगों के साथ खड़ी है, आप लोग देख रहे हैं, हर किसी के दुख दर्द में वो शामिल हो रही है। मैं भी अभी मेरठ गई थी, जिन लोगों के साथ जिनके बेटों को पुलिस की गोली का शिकार हुए, मार दिया गया है, उन पर बहुत धाराएं लगाई है, मैं उनके घर पर उनसे मिलकर आई हूँ, उनको तसल्ली देकर आए जो हम लोगों से हो सका। और हम चाहते हैं ये शुरुआत अगर फिजी ने, आप सब लोगों ने मिलकर की है, तो हमारा समर्थन आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, आगे बढ़कर जब जब हमें टाइम मिलेगा हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। एक खूबसूरत सुलह कुल की नगरी आगरा का मैसेज भी सारे देश में जाए, ऐसी हमारी। थैंक यू मैम। अरिबा जी, यहाँ क्यों आई हैं आप शहीद स्मारक पर? मैं एनआरसी और सीए के खिलाफ अगेंस्ट में आई हूँ, मुझे ये कानून नहीं चाहिए अपने देश में, मैं अपने देश को एक देखना चाहती हूँ, बटता हुआ नहीं देख सकती मैं अपने देश को। और क्या आपकी मांग है यहाँ पर, और क्या कहना चाहती हूँ शहर की आवाम से? मैं शहर की आवाम से बोलना चाहती हूँ, सब लोग बोल क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं पा रहे हैं कि ये हमें बांटने की कोशिश है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इससे क्या होगा, ये तीन रंग है ना, ये बिखर जाएंगे, इन तीन रंगों को बिखरने नहीं देना है, झंडे में ये तीनों रंग सूट करते हैं, अच्छे लगते हैं, इन तीन रंगों को मैं चाहती हूँ ये एक साथ रहे, हमेशा इस झंडे में एक साथ रहे,
मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी वजह से कोई अपने रिलीजन की वजह से कॉन्शियस हो, लड़ता रहे, बताता रहे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पे यकीन करो, हम पे यकीन करो। क्यों आपको यकीन नहीं है? आपको उन लोगों पे यकीन है जो 40,000 लोग आप इस देश में बुलाना चाह रहे हो सीए के थ्रू? आप इन जो रह रहे हैं यहाँ पे पहले से उन पे यकीन नहीं है, बट उन पे पूरा यकीन है कि वो जो आएंगे वो पहले से वो होंगे हिंदुस्तानी। हम नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है। हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। आप उन्हें लाओगे, उन्हें रखोगे क्या? आपके पास नौकरी है, जमीन है, जगह है, कहाँ रखोगे? इस पार्क में रखोगे? कहाँ रखोगे? आप हमें ये बताइए कि आप चलो हमें हटा दोगे, उन्हें रख लोगे, उनके पास तब भी इतनी जगह नहीं है कि आप उन हिंदू भाइयों को भी, हमारे हिंदू भाई बहनों को भी दिक्कत होगी अगर वो आएंगे यहाँ पे। आपको यकीन है पूरा कि वो उनके हिंदुओं के, उन नॉन मुस्लिम लोगों को जो आप यहाँ बुला रहे हो उन पर पूरा यकीन है कि वो नहीं होंगे? उनके बेस में कोई और ना होगा, कोई और नहीं होगा? आपको पूरा ट्रस्ट है? उनके पेपर बनवा सकते हैं आप यहाँ बुला के, बट यहाँ के बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा, एनसीआर और ये किसी का भी फायदा नहीं होगा। इससे कौन खुश है? कोई खुश है भी इससे? अगर आपकी ये मांग नहीं पूरी हुई तो आप मोदी सरकार से क्या मांग करेंगे? क्या यहीं पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक मेरी हिम्मत है मैं यहाँ पे करती रहूंगी, जब तक ये जब तक। अब हम निकलेंगे कहीं नहीं, निकलेंगे कहीं नहीं, हम यही रहेंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। और ये हिंदुस्तान हमारा है, हमसे किसी का भी हक नहीं है, किसी को भी हक नहीं है हमसे ये पूछे कि हिंदुस्तान आपका है या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीन है। फरीन जी, आप यहाँ क्यों एकत्रित हुई हैं? सही स्वागत। सब लोग एनआरसी के खिलाफ एकत्रित हो रहे हैं। हम सब यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि हम इस बिल को नहीं लाना चाहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ है, हमारी एकता के खिलाफ है। क्या मांग है आपकी यहाँ पर? हम चाहते हैं कि इसे पूरे भारत से हटाया जाए, जो हमारे शाहीन बाग में हो रहा है, जो हमारे अगेंस्ट है। मतलब ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, ये हर एक नागरिक के लिए हानिकारक है, ये हम सब के लिए बुरा है। और हम सब लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम जो शाहीन बाग में जो औरतें इकट्ठी हुई हैं, वही हम आगरा में दिखाना चाहते हैं कि आगरा की औरतें भी कहीं पीछे नहीं हैं। कितने दिन धरने पर बैठी हैं आपके? कितने दिन तक ये धरना चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना है या कुछ घंटों के लिए धरना प्रदर्शन करा गया है? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हम ये सब देखा जाएगा, और अब तो आगे आ ही गए हैं, अब जो होगा वो देखा ही जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा सोनी है। प्रेरणा सोनी जी, आप यहाँ क्यों एकत्रित हुई हैं? मुझे ये जो इंडिया में बिल लागू करा गया है ये लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को भी परेशानियाँ वगैरह हो रही हैं। क्यों? हम इंडियंस हैं, हम ये थोड़ी ना कि मुस्लिम नहीं रहेंगे यहाँ पे या हिंदू लोग नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना था। जब संविधान लागू हुआ था तो ऐसा कुछ थोड़ी ना था। ये अभी इन लोगों ने किया है, आरएसएस वालों ने ये चीज़ गलत की है, तो इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका विरोध करती हैं? ये ऐसा और आप अकेले आए हैं या और भी लोग आपके फैमिली वगैरह? फ्रेंड सर्कल सब लोग हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी ऐसे विरोध करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? कब तक विरोध करेंगे? नहीं हटेगा जब तक। मोदी सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मोदी सरकार से एनआरसी हटाओ, हमारी सरकार से हमारी ये मांग है जी कि एनआरसी हटाओ, रोजगार होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए।